है, हमने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड टाइम कराया हमारा। अब आप देखो, अब मैंने क्या आपको बताया था कि बाय डिफॉल्ट हमारी VTP क्या होती है, इनेबल्ड होती है, ठीक है। वर्जन हमारा कौन सा रनिंग है, 2। बाय डिफॉल्ट हमारी मोड भी क्या है, सर्वर एग्जिस्टिंग VLAN 5 है। क्यों है आपने बताया, हमने भी बताया, ठीक है। अब हम कॉन्फ़िगर करते हैं इसे VTP डोमेन, मान करके चलो कि मैंने डोमेन इसका क्या रखा ये, ठीक है, नल 2, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी डोमेन क्या होती है, नल होती है। अब इसके बाद हमने VTP मोड, वैसे तो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, सर्वर, तो सर्वर टैप करो ना करो इट डजंट मैटर। अब हमने VLAN क्रिएट करा, VLAN 10, VLAN 20, चलो 2 हमने VLAN क्रिएट कर दिया। और हमने इसके कनेक्टेड इंटरफेस को हमने क्या क्रिएट करना है, ट्रंक पोर्ट है ना, 0x122 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। शो VTP स्टेटस, ठीक है, आ चुका हमारे पास अपडेट। कैसे पता कि आ चुका, ये देखो, दो हमारे पास VLAN कितने क्रिएट हो गए, 2, ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो 5 होती है आपकी एग्जिस्टिंग VLAN। शो VLAN ब्रीफ, ब्रीफ में आप देख सकते हो आपका 10 और 20 आ चुका। तो याद रखना, अभी हमने क्या करा, हमारे सारे के सारे स्विचेज कौन सी मोड पे है, सर्वर मोड पे है ना। आप ये भी ध्यान दो, तो 1 मिनट, अच्छी बात नहीं है, बहुत खराब बात है। अच्छा, अगर ये इसकी ऑपरेटिंग मोड क्या है, बाय डिफॉल्ट सर्वर है ना, तो याद रखना कि सर्वर भी एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है। मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ ना, सर्वर भी हमारा एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है, क्योंकि है तो सर्वर, बट फिर भी इसने क्या करा, डोमेन के डेटाबेस इसने रिसीव करा, हमारे पास VLAN की डेटाबेस इसने रिसीव करा है ना। तो याद रखना, सर्वर भी एज अ क्लाइंट की तरह वर्क करता है, लेकिन फिर भी हम एक्सीडेंटल मान करके चलो कि आपने क्या कर दिया, कोई चेंजेज कर दिया, तो इस टाइप की कोई चेंजेस से बचने के लिए हम इसे क्या कर लेते हैं, इसकी डोमेन को, सॉरी इसकी मोड को क्लाइंट बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो, आप कोई VLAN जैसे ही क्रिएट करोगे, 29 यू आर नॉट अलाउड, ठीक है। तो अगर आप कुछ एक्सीडेंटली अगर कुछ टास्क कन्फिगर कर रहे हो, इससे बचना चाहते हो, देन आप बेटर है कि आप सर्वर को क्लाइंट बना दो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, VLAN की डेटाबेस चाहिए ना, वो तो वैसे भी आपका क्लाइंट रिसीव कर लेगा है ना, ठीक है। देखो, अब ऐसा है कि जो भी आपके सर्वर होंगे सभी ने डेटाबेस को रिसीव कर लिया होगा ना, ये सर्वर भी, आई मीन इस स्विच ने भी रिसीव कर लिया होगा VLAN की डेटाबेस। शो VTP स्टेटस, देखो 7 आ चुका हमारा, मीन्स 2 VLAN की अपडेट आ चुकी है। शो VLAN, ठीक है, 10 और 20 आ चुका। लेकिन यार पता है क्या, मेरे दिमाग में कुछ ऐसा था कि मैं इसे क्या बनाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, ये मैं अपने लिए नहीं, जानबूझ करके मैंने बाद में करा, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, ठीक है, अच्छा कर रहे हो आप। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो जिस स्विच को आप ट्रांसपेरेंट स्विच बनाना चाहते हो ना, सबसे पहले आप उस पर चेंजेस करो। सिर्फ मैं ये दिखाने के लिए मैंने इसको बाद में कन्फिगर करा, ठीक है। अगर आप इससे पहले ट्रांसपेरेंट नहीं बनाते, तब तो ये बाय डिफॉल्ट क्या होगा, सर्वर मोड में, और सर्वर भी एज ए क्लाइंट की तरह वर्क करेगा। तो इसने सारी की सारी डेटाबेस को क्या कर लिया, सर्वर से सिंक्रोनाइज कर लिया। दैट्स वाई बेस्ट प्रैक्टिस ये होगा कि जब ट्रांसपेरेंट बनाओ, मीन्स जिस पे भी कन्फिगर कर रहे हो ना, सबसे पहले आप अपने ट्रांसपेरेंट स्विच पे कन्फिगर करो, या फिर जब भी आप अपने किसी स्विच को अपने नेटवर्क में आप ऐड कर रहे हो ना, सबसे पहले उसे कौन सी मोड में कन्फिगर करो, ट्रांसपेरेंट मोड में,
ठीक है, वो तो हम बाद में बात करेंगे इसके पीछे रीजन क्या है, लेकिन अभी के लिए ध्यान देना। अगर मान लो कि बाय डिफॉल्ट सारे सर्वर मोड में, अगर आपके पास कोई न्यू स्विच भी है, न्यू स्विच में तो सारी चीज़ें बिल्कुल ब्लैंक होगा ना, अगर कोई न्यू स्विच भी है देन सबसे पहले आप उस पर क्या कर लो, ट्रांसपेरेंट ही बना लो, है ना। मान लो कि आप उन्हें उसे सर्वर ही रहने दिया तो उसने डेटाबेस तो रिसीव कर लेनी है, बाद में आपने उसे क्लाइंट बनाना चाहते थे आप, तब तो सही है। अगर मान लो कि बाद में आप उसे ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते तब तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना, क्योंकि उसने डेटाबेस को ऑलरेडी डिलीट रिसीव किया हुआ है। तो बेस्ट प्रैक्टिस हुआ कि पहले आप इसे ट्रांसपेरेंट बना लो, ठीक है। तो हम इसे क्या कर लेते हैं, ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, वीटीपी मोड, ठीक है, ट्रांसपेरेंट हो चुका। पहले तक अभी इसने दो विलन रिसीव किया हुआ था ना, अब हम देखते हैं इस पे विलन क्रिएट करते हैं, सर्वर पे क्रिएट करते हैं विलन 30 क्रिएट हमने करा। अब हम इस स्विच पे देख लेते हैं, तो क्लाइंट है ना, इसने रिसीव करना चाहिए, कर लिया इसने, हाँ फॉरवर्ड किया तभी तो रिसीव किया शो विलन ब्रीफ इसने नहीं करा, क्यों, क्योंकि अब हमारा ट्रांसपेरेंट मोड हो चुका है। तो याद रखना कि अगर आपके पास सारे, अगर आप फर्स्ट टाइम भी कॉन्फ़िगर कर रहे हो, सारे के सारे स्विचेज अगर आपके सर्वर मोड पे हैं तो पहले ट्रांसपेरेंट वाला कॉन्फ़िगर कर लेना आप, ठीक है। अब हमें इनके कनेक्टेड इंटरफेस को भी ट्रांसपेरेंट बनाना है, क्योंकि देखना इस स्विच पे जो आपका लास्ट वन स्विच है, आई मीन स्विच 3, उस पर विलन की अपडेट नहीं आया होगा, क्यों, क्योंकि ये कनेक्टेड इंटरफेस क्या आपकी स्टैटिक है ना, ये देख लो इस पर अपडेट नहीं आया होगा। बाय डिफॉल्ट आपके स्विच के जो भी इंटरफेसेज होते हैं वो स्टैटिक मोड में होते हैं ना, स्टैटिक मीन्स एक्सेस, मुझे भी स्टैटिक बोलने की आदत हो गई है। शो विलन ब्रीफ नहीं आया ना, 2 3 4 5 नहीं आया ना, तो हम क्या करते हैं, मल्टीलेयर स्विच, मैं ट्रांसपेरेंट स्विच पे जाता हूँ और इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0x1 to 3 स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1Q स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा तो मैं यहाँ पे इस फीचर का मैं फ़ायदा उठा लेता हूँ, पैकेट ट्रेसर का, ठीक है। VLAN brief आ चुका, 10 20 and 30, यहां तक किसी को कोई डाउट। अब हम देखते हैं शो, क्या कर रहे हो आप, आगे बैठ करके बातें किए जा रहे हो, आगे देख लिया करो आप। शो VTP स्टेटस, जैसे हमने VTP स्टेटस टाइप करा ना तो बहुत, ये आपको पता है कि आपकी कौन सी वर्जन रन कर रहा है, 2, लेकिन ये स्विच हमारा वर्जन 1 वर्जन 2 वर्जन 3 तीनों को सपोर्ट करता है। हमारी डोमेन क्या है, हमारा मोड क्या है, सर्वर, नो डाउट मैं इसे क्लाइंट करना चाहता हूँ, चलो मैंने इसे क्लाइंट कर दिया पहले ताकि इस पर कोई भी बंदा चेंज ना कर सके, VTP मोड क्लाइंट। अब कुछ और सोचने वाली बात है और समझने वाली, आप इधर देखो, रिविजन नंबर हमारा क्या हो चुका है, 7। सवाल यह कि ये रिवीजन नंबर है क्या, रिवीजन नंबर एक लाइन लिखना, वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर, यार पहले आप लैपटॉप बंद करो, आप बहुत हो गया आपका, वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर, सवाल यह है कि हमने ये तो लिख लिया कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर, लेकिन इसका मीन क्या है ना, ये रिवीजन नंबर होती क्या है, तो चलो आप बताओ, मैं बताओ ये रिवीजन नंबर क्या है। देखो यार रियल में है यही चीजें, जब भी आप अपने डिवाइस पे कोई चेंजेस करते हो ना, आपकी CR वैल्यू मीन्स कन्फिगर रिवीजन नंबर आपकी क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, विलन क्रिएट करोगे तो भी इंक्रीज होगा, डिलीट करोगे तो भी इंक्रीज होगा,
ठीक है। इससे हमें क्या पता चलती है कि आपके स्विच पे मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस है। मान लो कि सर्वर ने मुझे डेटाबेस फॉरवर्ड किया, ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास पहले से रिवीजन नंबर क्या हो क्या है 3। सर्वर से आप जो डेटाबेस आ रहा है उसमें मान करके चलो कि आपने कुछ चेंजेस करा हुआ है, 2 बिलियन क्रिएट करा, तो उसकी रिवीजन नंबर क्या हो चुकी होगी 3 से 5 हो चुका होगा। देन जब हमारा क्लाइंट उस डेटाबेस को रिसीव करेगा उसने क्या चेक करना है, किसकी सीआर वैल्यू तो काफी हाई है, देन क्या होगा इसके पास मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस होगा, और इस टाइप से आपकी जो क्लाइंट है वो सर्वर की डेटाबेस से अपने आप को सिंक्रोनाइज कर लेगा। तो सीआर का कॉन्सेप्ट क्या समझ में आ चुका, सीआर के बेस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे पास जो डेटाबेस है वो अपडेटेड है या फिर इनकमिंग डेटाबेस अपडेटेड है। अगर इनकमिंग एडवर्टीजमेंट जो आपके पास आ रहा है उसमें अगर सीआर वैल्यू हाई है देन उसके पास मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस है, और उस डेटाबेस से आप अपने आप को सिंक्रोनाइज करो, ठीक है। जाहिर सी बात है आप अपडेट ही कर लोगे तब तो बढ़ी जाए ना, बड़ी आपने अपडेट किया सर्वर की डेटाबेस से, क्यों, क्योंकि उसके पास मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस था, तब तो आपका भी अपडेट होगा ना, जब अपडेट होगा दिन सारा अपडेट होगा। अपडेट तो यही होता है सर, सर ने बोला बात अच्छी बात बताई आपने मुझसे, यहां तक किसी कोई डाउट। अब हम क्या करते हैं, अभी हमारे पास सीआर वैल्यू क्या था, 8 था क्या 7 था, अब हमने विलेन 45 क्रिएट करा, विलेन नंबर 45, जस्ट ये मैं प्रैक्टिस करने के लिए बता रहा हूँ ताकि हमारी सीआर वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो चुका 8 हो चुका ना। तो याद रखना सीआर वैल्यू के बेस पे हम ये डिसाइड कर पाते हैं कि हमारे स्विच के पास मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस है या फिर इनकमिंग एडवर्टीजमेंट का हमारे पास मोस्ट अपडेटेड डेटाबेस है। जैसे ही सर्वर का डेटाबेस आपके पास आएगा आप डिसाइड करोगे, आप अपने रिवीजन नंबर को इनकमिंग रिवीजन नंबर से कंपेयर करोगे, अगर उसकी रिवीजन नंबर ज्यादा होगा देन आप अपने डेटाबेस को क्या कर लोगे, इनकमिंग एडवर्टीजमेंट से अपने आपको सिंक्रोनाइज कर लोगे, ठीक है। तो रिवीजन नंबर की कॉन्सेप्ट समझ आ गई, जैसे ही आप अपने डिवाइस पर चेंजेस करते हो ना, हर एक चेंज के साथ, हर एक ऐड डिलीट जो भी आप करते हो उसके साथ आपकी सीआर वैल्यू एक एक ऐड होती चली जाती है, ठीक है। लेकिन हमने क्या बोला, वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर, हमने ऐसा क्यों बोला, अब देखते हैं, ध्यान देना। मान लो 0x1 इंटरफेस था ना, ये इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1, हमने इसे शट डाउन कर दिया, ठीक है, शट डाउन कर दिया। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि ये जो स्विच है ना ये हमारा बिल्कुल ही न्यू स्विच, मतलब मान लो कि एक ओल्ड स्विच है, ये हमारा क्या है, एक ओल्ड स्विच है जो कि हमारे नेटवर्क में पहले से, मतलब हमारी कंपनी में पहले से था लेकिन वो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड नहीं था, देन पहले से कहीं ना कहीं कनेक्टेड तो होगा ही, तो इसमें काफ़ी सारी रिवीजन काफ़ी सारी विलन क्रिएटेड होगा, डिलीटेड होगा, है ना, तो इसकी सीआर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चेंजेज होगा, है ना। तो मैं कुछ ऐसा ही मान करके चल रहा हूँ, मीन्स इसकी मैं सीआर वैल्यू को या तो हाई करूँगा या तो डिलीट करूँगा। देखो मैं क्या करता हूँ, मैंने अब इससे रनिंग नेटवर्क से क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया, यहाँ तक तो किसी कोई डाउट नहीं। अभी इसकी सीआर वैल्यू क्या थी, 8 थी ना, बिल्कुल सही, 8 है इसकी सीआर वैल्यू। मैं ग्लोबल मोड पे गया, अभी इसकी मोड क्या थी, क्लाइंट था क्या, ओ एक मिनट, क्लाइंट में तो मैं कोई चेंज कर ही नहीं सकता, मैं इसको सर्वर बनाता हूँ ताकि मैं इसमें कोई चेंजेज कर सकूँ। सर्वर मैंने बनाया और इसमें मैं कमांड टाइप करता हूँ, नो विलेन 10, नो विलेन 20, नो विलेन 30, नो विलेन 45, ये 4 विलेन ही थे ना, शो विलेन ब्रीफ, सारी चला गया। अब हम देखते हैं बीटीपी स्टेटस क्या हो चुका होगा, आई थिंक 12 के आसपास हो चुका होगा, है ना, हाँ 12 हो चुका, मीन्स अब हमारा क्लाइंट का रिवीजन नंबर क्या हो चुका है, 12 हो चुका है, ठीक है। याद है मैंने क्या बोला था, वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर, अब हमारी इसकी रिवीजन नंबर क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। अब मैं इसके इसे दोबारा से अपने नेटवर्क में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, ठीक है। लेकिन ऐड करने से पहले मैं इसके मोड को क्या कर देता हूँ, मैं क्लाइंट ही कर देता हूँ, ठीक है, ऐसा ही रियल में था हमारे पास। अब मैं इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0x1 को नो शट करके अपने नेटवर्क से कनेक्ट कर देता हूँ,
मैं सर्वर पे जाता हूँ। शो वीलैन ब्रीफ, सारी की सारी वीलैन इस पे जो क्रिएटेड थी वो क्या हो गई, डिलीट हो गई। शो वीटीपी स्टेटस, अब हमारी भी रिवीजन नंबर क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। तो याद रखना, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि वी मस्ट टेक केयर ऑफ रिवीजन नंबर। तो याद रखना, अगर किसी स्विच को अगर आप अपने रनिंग नेटवर्क में ऐड करना चाहते हो, देन ये मेक श्योर कि आप उसकी रिवीजन नंबर वैल्यू ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपके रनिंग नेटवर्क से। अगर ज़्यादा होगा देन आपकी जो अपडेट होगी, मीन्स आपके जो न्यू स्विच जिससे आप अपने नेटवर्क में ऐड कर रहे हो, उस पर जो भी डेटा बेस होगी एज इट इज प्रोपेगेट कर जाएगी आपके अपने नेटवर्क में, ठीक है। देन मेक श्योर कि अगर आपके पास कोई स्विच है जिसे आप अपने नेटवर्क में ऐड कर रहे हो ना, देन उसकी रिवीजन नंबर को क्या कर लो, आप रीसेट करो। सवाल यह है कि अब हम रिवीजन नंबर को क्या करें, रीसेट कैसे करें, एक मिनट आगे देखो सभी। तो सवाल क्या है कि रिवीजन नंबर को रीसेट करना है अपने नेटवर्क में ऐड करने से पहले, तो कैसे करेंगे अब वो भी देख लेते हैं। चलो इसको मैं दोबारा से डिसकनेक्ट ही कर देता हूँ, हम अपना कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। तो जब भी रिवीजन नंबर रीसेट करने की बात आएगी ना, या फिर जब भी कोई स्विच को आप अपने नेटवर्क में ऐड करोगे, उससे पहले आप अपनी स्विच की रिवीजन नंबर को रीसेट करोगे। रीसेट करने के लिए दो ऑप्शन हमारे पास हैं, या तो उस स्विच को ट्रांसपेरेंट बना दो, जैसे कि वीटीपी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है। अब देख सकते हो आप, शो वीटीपी स्टेटस, रिवीजन नंबर रीसेट हो गई ना, ठीक है। तो या तो उस स्विच की रिवीजन नंबर को क्या, सॉरी उस स्विच की मोड को क्या कर दो, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के साथ, करते के साथ ही क्या हो जाएगी, आपकी रिवीजन नंबर जीरो हो जाएगी। अब उसके बाद आप अपने नेटवर्क में ऐड कर लो, सर्वर बनाना है सर्वर बना लो, क्लाइंट बनाना है क्लाइंट बना लो, इट्स अप टू यू, ठीक है। अगर आप दूसरा मेथड है, आप इसका डोमेन भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो आप इसका डोमेन कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि मान लो पहले क्या था, अब हमने कुछ और डोमेन चेंज कर दिया, इससे भी क्या हो जाएगा, ये जब जैसे ही डोमेन आपकी चेंज होगी ना, आपकी रिवीजन नंबर क्या हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी। हमें तो रिवीजन नंबर को रीसेट करना था, जैसे ही रिवीजन नंबर रीसेट हो जाएगी ना, देन आप जिस भी डोमेन में रखना चाहते हो आप उस डोमेन में रख लो। अब तो हमारी रिवीजन नंबर रीसेट, सॉरी मैं डोमेन की बात कर रहा था ना, अब हमारी रिवीजन नंबर रीसेट हो गई, तो अब जिस भी डोमेन की रिक्वायरमेंट है आप डोमेन ऐड कर लो, क्योंकि हमारा टास्क तो ऑटोमेटिकली रिवीजन को रीसेट करने का था। रीसेट हो जाने के बाद कंपनी में मान लो कि cisco.com रन कर रहा है, आप उसे cisco.com बना लो, यार तो हम वही तो चाहते हैं। आपने समझा नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए, ये तो मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था कि अगर क्या हो, अगर क्लाइंट ही हो बट उसकी रिवीजन नंबर ज्यादा हो, ठीक है। तो वो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, मान लो कि आपने गलती से सारे विलेन तो डिलीट कर दिया, लेकिन आपने उसकी रिवीजन नंबर रीसेट करना भूल गए, देन क्या होगा, उसकी रिवीजन नंबर तो हाई हो चुका होगा। जैसे ही आप नेटवर्क से कनेक्ट करोगे, इसकी रिवीजन नंबर एज इट इज सभी पे प्रोपगेट होगा, सभी ने अपने रिवीजन नंबर से कंपेयर करना है, ये देखना है कि इसकी रिवीजन नंबर ज्यादा है, और उसकी डेटाबेस से आप अपने स्विच की डेटाबेस को सिंक्रोनाइज कर लोगे, और आपकी वीलैन भी फ्लश, और आपका नेटवर्क चोक हो जाएगा, आपकी जो लेयर 2 की डेटाबेस है। इससे बेटर प्रैक्टिस यह है कि जब भी किसी स्विच को आप अपने नेटवर्क से ऐड करो, उसकी रिवीजन नंबर को रीसेट करो। रीसेट करने के दो वे हैं, या तो डोमेन चेंज करो या तो ट्रांसपेरेंट बनाओ। जब रीसेट हो जाती है देन इट्स अप टू यू, क्लाइंट बनाना है क्लाइंट बना लो, जिस भी डोमेन में रखना चाहते हो डोमेन में रख लो, ठीक है। तो ये था हमारा वीटीपी सीसीएनएम, इतना ही रखते हैं, ठीक है, ज़्यादा हो जाएगा अदरवाइज।